बिना खोया और मिल्क पाउडर के आज बनाएंगे बाजार जैसी टेस्टी व्हाइट मिल्क केक। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। 15 मिनट में आप ये टेस्टी व्हाइट मिल्क केक बना सकते हैं। और इसे हमने एक कप दूध से बनाया है। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से ये सेट होती है और ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी है। एक बार आपने इसे बनाया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस टेस्टी और इंस्टेंट मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई में एक कप दूध डालेंगे। ये नॉर्मल बॉयल किया हुआ दूध है। मीडियम फ्लेम पर दूध में एक बॉयल दिला लेते हैं और जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हम इसमें 1/4 कप फ्रेश मलाई डाल देंगे और मलाई को भी दूध में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाई फ्लेम पर दूध को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए हमने दूध को चलाया है। अब ये काफ़ी थिक हो चुका है। इस रेसिपी में हमें फ्लेम को हाई पर ही रखना है। फ्लेम को लो पर रखकर कलाकंद नहीं बनाएं, वरना उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हमने चीनी को भी मेल्ट कर लिया है। अब ये दूध काफी थिक हो चुका है, इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप। तो बस इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर इस कलाकंद में बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए दूध काफी थिक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर ली है और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करके लेने से कलाकंद में दाने बहुत अच्छे से बनेंगे। तो पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। इस पनीर को डाल दिया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि ये सेट होने की कंसिस्टेंसी में नहीं आता। तो 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें अभी काफ़ी पानी है, तो इस पानी को हमें एकदम से रिड्यूस करना है। इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते जाएंगे। लगातार चलाने से कलाकंद का कलर एकदम वाइट रहता है, उसका कलर येलोइश नहीं होगा। 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे लगातार चलाया है। तो बस अब इसमें से दूध बिल्कुल कम हो चुका है। तो अब लास्ट में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालना बहुत जरूरी है कलाकंद को अच्छे से सेट करने के लिए। तो घी डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट और मिक्स करें। और बस अब ये कलाकंद का मिक्सचर तैयार है बर्फी सेट करने के लिए। यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है और इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि कलाकंद को डीमोल्ड करना आसान हो जाए। मैंने यहाँ पर बटर पेपर भी लगा दिया है। अब इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से टैप करते हुए इवन कर देंगे। और जब ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म हो तभी हम इस पर रोज पेटल्स और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जिससे ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं। और बस 1 घंटे के लिए हम इसे बाहर रूम टेम्परेचर पर सेट होने देंगे। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसकी बर्फ़ी अच्छे से कट हो, इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। और ये देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रखा और फिर 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा। ये कलाकंद बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये कलाकंद काफ़ी सॉफ्ट बनता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से कट करें और अब इसके पीसेस कर लेते हैं। घंटे में ये कलाकंद बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो है ना बहुत ही आसान। और क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पर ही बनाया था तो इसका कलर एकदम वाइट आया है। और बस तैयार है सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली ये टेस्टी मिठाई। आप इसे बनाइएगा जरूर और अपने कमेंट्स में ऐसा शेयर कीजिएगा कैसे लगे आपको ये रेसिपी। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से इसके पीस कट हुए हैं। तो आप इसे फ्रिज में रखकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा। खाने में बहुत बहुत टेस्टी है, एकदम परफेक्ट कलाकंद बर्फी बनकर के तैयार हुई है। इसे बनाकर देखिएगा। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।